आज हम लोग 2019 का एंशियंट मिडाइवल और आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करेंगे। हमने कल 2022 का देखा, 2023 का देखा, 2021 हम लोग पहली कर चुके हैं, 2019 पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू मुगल इंडिया, व्हाट इज आर द डिफरेंस बिटवीन जागीरदार एंड ज़मींदार। आपको पूछ रहा है जागीरदार और ज़मींदार में डिफरेंस क्या होता है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन का भी बहुत सिंपल ट्रिक है। जब भी दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा हो, समझ जाना यूपीएससी ने क्या किया है, ए का स्टेटमेंट बी को दे दिया है, बी का स्टेटमेंट ए को दे दिया है। हमेशा फेवरेट टेंडेंसी होता है। जैसे अगर दो क्लाउड्स की बात हो रही है, हाई क्लाउड्स एंड लो क्लाउड्स, ज्योग्राफी में जो आप देखोगे तो वहाँ भी यही चीज़ की है। एनवायरमेंट में भी जो आपको इकोनॉमी में भी जो हम लोग देखेंगे, SLR और CRR पे क्वेश्चन, SLR की डेफिनेशन CRR में दे दी है, CRR की डेफिनेशन SLR में। तो यहाँ पे UPSC ने क्या किया, डेफिनेशन चेंज कर दी है। जैसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है, जागीरदार वेयर होल्डर्स ऑफ द लैंड असाइनमेंट इन लीव ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज़। ये स्टेटमेंट जो यहाँ तक है पुलिस ड्यूटीज तक, ये रॉन्ग है। एक्चुअली जागीरदार की जगह ज़मींदार चाहिए। आगे, वेयर एज जमींदार्स वेयर होल्डर ऑफ रेवेन्यू राइट्स विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन रेवेन्यू कलेक्शन। ये जमींदार नहीं है, जागीरदार के बारे में लिखा हुआ है। तो इन्होंने दोनों को एक्सचेंज कर लिया, तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। सेकेंड आपसे कह रहा है, लैंड असाइनमेंट टू जागीरदार वेयर हेरिडेटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार वेयर नॉट हेरिडेटरी। यहाँ भी उल्टा किया है, यहाँ लैंड असाइनमेंट टू जमींदार वेयर हेरिडेटरी होना चाहिए और रेवेन्यू राइट्स ऑफ जागीरदार वेयर नॉट हेरिडेटरी। तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसका आंसर हो जाएगा नाइदर वन नॉर टू। तो हमेशा याद रखिए, जब दो बॉडी या दो पर्सन को कंपेयर किया जा रहा है तो हमेशा दोनों का स्टेटमेंट इंटरचेंज होगा। इसका जब आप आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन फोर, दैट इज नाइदर वन नॉर टू। क्यों? जागीरदार वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थ्रू विच लैंड रेवेन्यू वॉज असाइंड इन ल्यू ऑफ अ सैलरी विच वॉज कॉल्ड एज जागीर। होता क्या था, जागीरदार को ये कहा जाता था कि आप जितना भी टैक्स कलेक्शन करेंगे, पैसा कलेक्ट करेंगे लैंड रेवेन्यू से, जमीन से जितना वसूली करेंगे, इसके बदले में आपको एक जागीर दी जाएगी। जैसे आप एक जागीरदार हो, आपको एक जमीन दे दी, अब इस पे जो भी रेवेन्यू होगा आपको कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को देना है, जो भी मुगल होगा, मुगल किंग होगा, उसको देना है। आपको क्या फ़ायदा हुआ, आपकी ज़मीन हो गई, जितना भी रेवेन्यू आएगा ये गवर्नमेंट का है लेकिन ज़मीन आपकी है। ये जागीरदार के लिए था। जागीरदारी सिस्टम डिड नॉट अफेक्ट द हेरिडेटरी राइट्स ऑफ द इंटरमीडियरीज हु वेयर कलेक्टिवली नोन एज जमींदार। जागीरदार की वजह से जमींदारी सिस्टम अफेक्ट नहीं हुआ। जमींदारी सिस्टम का मतलब क्या होता था, ज़मीन का मेन ओनर आप हो, जो पर्सन है उसके डेथ के बाद ज़मीन किसको मिलेगी, उसके बेटे को। इसको कहा जाता था हेरिडेटरी। हेरिडेटरी मतलब आपके बाद आपके बेटे को मिलेगी, आपके बेटे के बाद उसके बेटे को मिलेगी, इसको कहा जाता है हेरिडेटरी। यही लिखा हुआ है कि जागीरदार सिस्टम की वजह से हेरिडेटरी राइट ऑफ जमींदार अफेक्ट नहीं हुए। आगे, लैंड असाइनमेंट टू जागीरदार वॉज नॉट हेरिडेटरी एंड इट इज ट्रांसफरेबल टू अदर जागीर ऑल्सो। इसका मतलब आप जागीरदार हो, ये आपकी जमीन है, आपके बाद आपके बेटे को नहीं मिलेगी। अगर मान लो किसी पर्सन की डेथ हो गई तो वो जागीरदार की जागीर किसी और जागीरदार को मिलेगी, जबकि जमींदार के केस में उल्टा है। जमींदार हैड देयर ओन हेरिडिटरी राइट्स इन लैंड एंड आल्सो हैड द हेरिडिटरी राइट ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू। अगर जमींदार की डेथ हो जाएगी तो जमींदार के बाद उसके बेटे को मिलेगी। नेक्स्ट, द जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज वेयर परफॉर्म लोकली बाय जमींदार। अब जो जुडिशियल और पुलिस ड्यूटी दोनों कौन परफॉर्म करता था, जमींदार। यहाँ स्टेटमेंट में उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ देखो लिखा हुआ है कि जमींदार वेयर नहीं, ऊपर इन लियो ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटी, किसके बारे में लिखा है, जागीरदार। बट रियलिटी में जो जमींदार था वही क्या करता था, जज का भी काम करता था और पुलिस का भी काम करता था। जबकि जागीरदार वेयर होल्डर ऑफ लैंड असाइनमेंट इन लियो ऑफ मिलिट्री सर्विसेज। जागीरदार का काम क्या होता था, ये जमीन है, इस जमीन से पैसा कलेक्ट करना और इस पैसे के बदले एक मिलिट्री मेंटेन करना, सो दैट जब मान लो कोई भी राजा हो वो बोले कि एक जंग लड़नी है, आप उसके बदले एक मिलिट्री ले जाके प्रोवाइड करा दो। द मुगल एम्पायर अलोकेटेड जागीर टू मनसबदार। मुगल जागीर देता किसको था, मनसबदार को। मनसबदार वो लोग होते थे जो हाई स्टेटस के लोग होते थे, जैसे मान लो उसके कोर्ट के नोबल हो गए, बिरबल हो गया, तानसेन हो गए, ये सब मनसबदार स्टेटस के होते थे। इनफैक्ट कभी कभी अपने बेटों को भी जागीर देता था, बट बड़ी जागीर देता था। और लास्ट में लिखा हुआ है, मनसबदार मेड हिज ओन एग्रीमेंट फॉर द रेवेन्यू कलेक्शन। ये मनसबदार अपने हिसाब से एग्रीमेंट बनाते थे। इन शॉर्ट हमको क्या याद रखना है, एक जागीरदार है, जागीरदार को जागीर मिलता था, वो जागीर से जागीरदार को पैसा जमा करना है और पैसा जमा करके गवर्नमेंट को देना है या जो मुगल किंग है उसको देना है, साथ ही साथ उसको एक मिलिट्री मेंटेन करनी है। बट अगर जागीरदार की डेथ हो गई तो ये जमीन उसके बेटे को नहीं मिलेगी, इसीलिए ये हेरिडेटरी नहीं है, जागीरदार की जमीन किसी और जागीर को मिलेगी। जबकि जमींदार की बात करते हैं, जमींदार का काम है जज का भी काम करना, पुलिस का भी काम करना, जमींदार के पास एक जमीन रहेगी, ये जमीन पे लैंड रेवेन्यू राइट जमींदार का रहेगा और उसके बाद वो जमीन के राइट उसके बेटे को मिल जाएंगे, तो जमींदार के राइट्स हेरिडेटरी है।
जागीरदार मुगल एम्परर अपने मनसबदार को देता था और मनसबदार लोग फिर एग्रीमेंट फिक्स करते थे। एग्रीमेंट कैसा, किससे कितना पैसा कलेक्ट करना है उस चीज का एग्रीमेंट। इन शॉर्ट ये बस याद रखिए दो चीजों का कंपैरिजन, अपने आप समझ में आ जाएगा और ये मैं आगे क्वेश्चंस में प्रूफ कर दूंगा। नेक्स्ट आते हैं, विथ रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये पूछ रहा है आपने जो लैंड रिफॉर्म की है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। सबसे पहला कह रहा है द सीलिंग लॉज वेयर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग। सीलिंग लॉ का मतलब क्या होता है, एक लिमिट। जैसे लैंड रिफॉर्म क्यों लाया गया, जब देश आज़ाद हुआ तो हमने क्या देखा, कई कई ऐसे लोग हैं जिनके पास 50-50 एकड़ जमीन है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने को ज़मीन ही नहीं है। तो हमने क्या सोचा कि क्यों ना सबको एक लेवल पे लाया जाए, तो हम लोग लैंड रिफॉर्म करेंगे। लैंड रिफॉर्म में क्या करेंगे, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है उससे लेके जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको देंगे। इसमें सबसे पहला आया था सीलिंग लॉज। सीलिंग लॉ का मतलब हमने एक लिमिट फिक्स कर दी कि सृष्टि के पास 50 एकड़ नहीं 5 एकड़ ही रहेगा, आपके पास भी 100 एकड़ है नेहा, नेहा के पास भी 5 एकड़ रहेगा, जो बचा हुआ दूसरों को बांटेंगे। अब प्रॉब्लम क्या था, ये कह रहा है जो सीलिंग लॉस थे ना वो फैमिली होल्डिंग पे अप्लाई होते थे, इंडिविजुअल होल्डिंग पे नहीं। गलत है, फैमिली होल्डिंग नहीं इंडिविजुअल होल्डिंग पे भी होता था। आपने कितना होल्ड किया आपके नाम पे भी एक लिमिट होती थी, तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। सेकेंड लिखा है द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म वॉज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल लैंडलेस। बिल्कुल सही बात है, हमने यही ऑब्जेक्टिव था हमारा, जितने भी एग्रीकल्चर लोग हैं जो खेती करना चाहते हैं उन सबको थोड़ी बहुत ज़मीन मिले जिनके पास लैंड बिल्कुल नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है इट रिजल्टेड इन कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप एज अ प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन। दूर दूर तक ये स्टेटमेंट राइट नहीं है। कैश क्रॉप का मतलब, अब मान लो लैंड रिफॉर्म क्यों लाएंगे, थोड़ी कपास उगाने के लिए लैंड रिफॉर्म लाएंगे। कैश क्रॉप का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई क्रॉप जो खा नहीं सकते, जैसे कपास। अब कपास ग्रो करते हो दैट इज अ कैश क्रॉप, क्यों, कपास को बेच के आपको कैश मिलेगा। सेम गोज फॉर शुगर केन। शुगर केन लिटरली फूड तो नहीं है, कैश नॉर्मल फूड क्रॉप क्या होता है, राइस वीट, जो आप खाने में बना के खा सकते हो। शुगर केन जो है वो भी एक कैश क्रॉप है। टोबैको, तंबाकू, तंबाकू भी क्या है, कैश क्रॉप है, तंबाकू का आप सेल करते हो पैसा कमाते हो। तो ये ऐसा कह रहा है कि लैंड रिफॉर्म इसलिए किए गए थे क्योंकि हमको कैश क्रॉप ग्रो करने थे, ये भी गलत है। और फोर्थ कह रहा है लैंड रिफॉर्म परमिटेड नो एग्जेम्पशन टू द सीलिंग लिमिट, ये भी रॉन्ग है। एक्चुअली सीलिंग लिमिट थी, लैंड रिफॉर्म का एक ही ऑब्जेक्टिव था, जिसके पास जमीन नहीं है उसको जमीन मिलनी चाहिए, जिसके पास बहुत जमीन है उसके पास जमीन कम होनी चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट कह रहा है, इसीलिए करेक्ट आंसर इज बी, द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म वॉज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू लैंडलेस। इसीलिए बाकी सब आप मैंने बताई दिया है। लैंड सीलिंग का मतलब क्या होता है, फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, आप कितनी जमीन रख सकते हो इसको कहा जाता है सीलिंग लिमिट। सीलिंग लॉज वॉज एम्ड एट फिक्सिंग मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल पे भी लागू होता था, वहां स्टेटमेंट में लिखा इंडिविजुअल पे लागू नहीं होता था, इसलिए पहला स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा रॉन्ग। देखो लिखा है वेर अप्लाई टू फैमिली होल्डिंग एज वेल एज इंडिविजुअल। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है, आउटकम क्या क्या निकला। सबसे पहले अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, जब आपने लैंड रिफॉर्म किया तो कुछ फायदे हुए, सबसे पहले बिचौलिए खत्म हो गए। इंटरमीडियरीज का मतलब क्या होता है, जो लोग बीच में आते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो आप सब्जी, यहाँ जो वेजिटेबल मार्केट है उसमें आप एक बहुत बड़े खेती हो, किसान हो आप, आपने बहुत सारे टमाटर लाया, आपको ना मंडी में बेचना है आके, आपके पास जगह नहीं है, तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं ना मंडी में वो आपको क्या बोलेंगे, एक काम करो कितने का टमाटर है, आप बोलोगे 1800 रुपये कैरेट, बोलेंगे 2000 का दे दो, ठीक है। आपसे उन्होंने 2000 में ले लिया, आपको 200 रुपये ज़्यादा दिए, वो 2000 का 4000 में बेचेंगे वहाँ पे। इसको कहा जाता है इंटरमीडियरीज, जो बीच का फ़ायदा उठा के प्रॉफिट कमाते हैं। तो सबसे पहले लैंड रिफॉर्म में ये खत्म हो गए पूरे। सेकेंड सीलिंग लिमिट फिक्स हो गई कि किसके पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए। और थर्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा लैंड रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया लैंडलेस और सेमी लैंडलेस पीपल में, इसीलिए कैश क्रॉप का कोई सवाल ही नहीं, ऑप्शन 3 हो जाएगा रॉन्ग। और लास्ट में दिया है कि कुछ कुछ एग्जेम्पशन दिए थे लैंड रिफॉर्म में, मतलब जैसे कि फॉरेस्ट लैंड है ना उसको कोई टच नहीं करेगा, जो बैरन लैंड है, बैरन लैंड मतलब डेजर्ट जहां कोई खेती नहीं होती उसको कोई टच नहीं करेगा। आपको मैं बैरन लैंड देके करूंगा क्या, मान लो एक लैंड है जिसपे कुछ उगता ही नहीं, डेजर्ट है, तो ऐसे लैंड का डिवीजन करके क्या करेंगे हम। सेम फॉरेस्ट लैंड का डिवीजन क्यों नहीं करेंगे, मान लो एक अच्छा फॉरेस्ट लैंड है, मैंने आपको दे दिया, आपने फॉरेस्ट लैंड ही काट दिया, तो नेचर का एनवायरनमेंट लॉस होगा, नेचर का लॉस होगा तो हो सकता है एनवायरनमेंट चेंजेस आएंगे, इसीलिए ये सबको हमने बाहर रखा, किस किस को, गार्डन लैंड को, फॉरेस्ट लैंड को और बैरन लैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट।
चार साइट दी है, आपको पूछ रहा है इसमें से कौन सा हरप्पन साइट नहीं है। अगेन ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर एंशियंट इंडिया का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है छानूदारो, ये बिल्कुल राइट है, ये इंडियन हरप्पन साइट है। नेक्स्ट कोट दीजी भी हरप्पन साइट है। सोहागुरा जो है ये हरप्पन साइट नहीं है। और फोर्थ है जैसलपुर, ये भी हरप्पन साइट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ओनली, सोहागुरा हमारे इंडिया में नहीं है, हरप्पा में नहीं है। चेक कर लेते हैं, द करेक्ट आंसर इज सोहागुरा। क्यों? सोहागुरा इज नॉट अ हरप्पन साइट। सोहागुरा क्या है? ये अशोका का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। अशोका, कल हम अशोका के बारे में देख रहे थे कि अशोका ने बहुत जगह पे पिलर इंस्क्रिप्ट लिखे थे। मैंने आपको बताया था अशोका अपने बारे में गुणगान करता था, उसने वॉर लड़ी, वो लॉर्ड लड़ी। तो अशोका ने अपने बारे में एक कॉपर प्लेट पे कुछ लिखवाया था अशोका ने अपने बारे में, कौन से लैंग्वेज में? प्रकृत लैंग्वेज में। वो कहाँ मिला है? सोहागुरा में। सोहागुरा हरप्पन साइट नहीं है, वहाँ पे अशोका की रिमेन्स है। आगे मेजर फाइंडिंग्स इन कोट दीजी मैंने आप बताया आपको हरप्पन साइट है। ये एरिया कहाँ पे? पाकिस्तान में। यहाँ पे क्या मिला है हमको? टार मिला है, स्टैचू मिला है और मदर गॉडेस की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट छानूदारो, ये भी कहाँ पे? पाकिस्तान में, हरप्पन साइट है। यहाँ पे एक डॉग मिला है कैट को चेस करते हुए, कैसे? फुटप्रिंट, मतलब जब उन्होंने जमीन में देखा, उन्होंने देखा कुत्ते के भी फुटप्रिंट थे और बिल्ली के भी थे, तो उनको लगा यहाँ पे मे बी कुत्ता जो है बिल्ली को चेज कर रहा है। नेक्स्ट कुछ बीड मेकर्स शॉप मिले, बीड क्या होता है? मोती जो होते हैं उनको बनाने वाले शॉप थे। नेक्स्ट कार्ट विद अ सीटेड ड्राइवर, जो बैलगाड़ी होती है वो भी एक ड्राइवर के साथ बैठी हुई, उनको ऐसा मिला। और देसलपुर एक जगह है, ये कहाँ पे? गुजरात में। ये भी हरप्पन साइट है। यहाँ पे हमें कुछ पॉटरी मिले और कुछ टेराकोटा सील्स मिले, बाकी ये तीनों हमारे हो गए हरप्पन साइट। सोहागुरा हमारा हरप्पन साइट नहीं है। अब मैं बताता हूँ, ये मान लो एग्जाम हॉल में आप बैठे हो, आपको इसका आंसर नहीं समझ में आ रहा है, अगला क्वेश्चन देखो आप, चेक कर रहे हो यहाँ भी ऑप्शन क्या है? सोहागुरा। यूपीएससी ने एक ही ऑप्शन दो जगह डाल दिया। अब ये क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर लेते और इसके बेसिस पे आप वो आंसर सॉल्व कर लेते। क्यों? क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्ट्रक्चर इंस्क्रिप्शन इज रानियो अशोका, मतलब किंग अशोका के बारे में मेंशन किया है इसमें। अब एक चीज़ सोचो, अगर किंग अशोका के बारे में क्वेश्चन है और ऑप्शन सोहागुरा दिया हुआ है, मतलब ये रिलेटेड होगा अशोका से, तभी दिया हुआ है। जब ये अशोका से रिलेटेड है तो हरप्पन साइट कैसे हो सकता है? तो एग्जाम मोड में जो ये क्वेश्चन देख लेता और इसका ऑप्शन देख लेता, वो जब वापस ये क्वेश्चन पे आता तो वो समझ जाता ये तीनों तो हरप्पन साइट है, ये अशोका साइट के बारे में मेंशन किया है तो हरप्पन नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार यूपीएससी का हर एक ऑप्शन, अभी मैं एक्सप्लेनेशन में हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन क्यों करता हूँ, क्योंकि आप जब देखोगे एक एक ऑप्शन पे क्वेश्चन आया, मतलब मान लो अगर इस बार कोट दीजिए का ऑप्शन दिया है ना, अगले बार का आंसर ही कोट दीजिए होगा, अगले बार जो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यूपीएससी ने जब पूछ लिया है तो जो एग्जामिनर होगा, मान लो अभी एग्जामिनर कोई और बना रहा था, कोई एग्जाम पेपर बना रहा था, दो साल बाद मैं लग गया एग्जामिनर एज अ एग्जामिनर, मुझे क्वेश्चन बनाना है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊं, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखूंगा पहले क्वेश्चंस कैसे बनाए थे यूपीएससी ने। जब मैं देखूंगा तो देखूंगा यार इसमें से क्या बनाऊं, तो मुझे कुछ ऑप्शन भी बनाने हैं, ऐसे ही कोई क्वेश्चन बनाने, कुछ ऑप्शन बनाने, मैं क्या करूंगा यहीं से उठा लूंगा, छानूदारो कोट दीजिए सोहागुरा और ये देसलपुर के जगह कुछ और डाल दूंगा, आंसर यही होगा जो देसलपुर के जगह डालूंगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ पीवाईक्यू को अच्छे से करो। देख लो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक ही ऑप्शन बार बार रिपीट हो गया, क्योंकि उनके पास भी कुछ नया करने के लिए नहीं है यार। 1990 से, मतलब उसके पहले से ही पेपर हो रहा है 1980 से, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी 2000 के बाद आई, उसके बाद आदमी भी कामचोर हो गया, आदमी भी मेहनत नहीं करना चाहता है और इतने क्वेश्चन पूछ दिए कि क्वेश्चन बचे भी नहीं है। सोचो ना, हर साल हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन पूछने हैं, 50 साल हो गए पेपर के, बट मैं ऐसा मानता हूँ 25 साल मोटा मोटी, 2024 से 2000 तक 500 क्वेश्चन ऑलरेडी वो पूछ चुके हैं, अब बचा क्या है, इसलिए वो बार बार घुमा घुमा के वही क्वेश्चन पूछते रहते हैं। आते ही वाले क्वेश्चन पे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे लिखा हुआ है कि अशोक, रानी अशोका, अशोका के बारे में लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। इसका आंसर एक्चुअली कंगन हल्ली कर्नाटका में एक साइट है, वहाँ पे लिटरली अशोका के बारे में रानी अशोका लिखा हुआ है। अशोका का नाम जो था वो रानियो था, इसीलिए मतलब रानियो किंग को भी कहा जाता है। सांची जो है ये आपके सांची यूपी में है, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने सांची का स्तूपा भी फॉर्म किया है। शाह बाजारी तो नहीं होगा, सोहागुरा हमने देख लिया एंशियंट साइट है बट यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंगन हल्ली इज अ प्लेस लोकेटेड इन सनाती कर्नाटका, जैसा कि मैंने आपको बताया। इट इज अ स्कल्पचरल डेप्टिक्शन ऑफ किंग, द एम्परर विथ हिज क्वीन एंड अटेंडेंट्स आर कार्व्ड ऑन अ स्लैब विथ रानी अशोका। हुआ क्या, कंगन हल्ली एक जगह है, वहां पे एक पिलर में ऐसा दिखा हुआ है कि अशोक, उनकी वाइफ और उनके कुछ डिसाइपल, उनके कुछ भक्त लोग बैठे हुए हैं और वहीं पे लिखा हुआ है रानियो अशोका। रानियो का मतलब राजा या फिर किंग,
mentioned along with stone portrait of Ashoka. It is the first ever sculpture of Ashoka with his name inscribed. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए हो गई, अशोका की पहली ऐसी मूर्ति थी जहाँ पे अशोका का नाम भी मेंशन था, इसीलिए यूपीएससी ने पूछा। शाह बाजारी जो है ये पाकिस्तान में है, ये रॉक एडिक्ट्स के लिए मेंशन है, किसके? मौर्यन एम्परर अशोका के, इसीलिए ये भी ऑप्शन में था। शाह बाजारी रॉक्स इज फाउंड इन वैली ऑफ पेशावर। तीसरा सांची स्तूपा जो मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में है, ये बुद्धिस्ट साइट है, इसका अशोका से कोई लेना देना नहीं है, बट इसको बनाया किसने था? अशोका ने, इसीलिए ऑप्शन में डाल दिया। और फोर्थ वाला है सुहागुरा, सुहागुरा हमने अभी भी देख लिया, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है प्रकृत में, और ये भी कहाँ मिलता है? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। चारों के चारों अशोका से रिलेटेड थे, बट ये कंगनहल्ली जगह है जहाँ पे अशोका के बारे में नेम मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धिज्म पे, अब देख लो यहाँ पे भी, एक सेकेंड, ये हमारा पहला वाला जो क्वेश्चन है मुगल इंडिया से, हर बार मुगल इंडिया से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है। ये सेकेंड वाला जो क्वेश्चन था ना, ये वाला लैंड रिफॉर्म, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन जनरली आते नहीं है, बट क्योंकि ईजी था तो डुएबल क्वेश्चन था। ये तीसरा वाला जो क्वेश्चन था हमारा, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से आप पढ़ते ही हो, सिलेबस का ही पार्ट है, ये भी थोड़ा ईजी था, मतलब 2019 का जो पेपर था ना, ओवरऑल ईजी कैटेगरी में डाल सकते हो। सेम ये वाला जो है अशोका का, अशोका भी आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो, उसके साइड्स भी पढ़ते हो, तो ये क्वेश्चन भी डुएबल था। बट ये वाला जो क्वेश्चन है, ये है बुद्धिज्म से, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, पूछ रहा है आपसे, एक सेकेंड, ये आपसे पूछ रहा है महायान जो बुद्धिज्म है उसके क्या क्या फीचर है। सबसे पहला है डेइफिकेशन ऑफ बुद्धा, सेकेंड है ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वा, और तीसरा है इमेज वर्शिप एंड रिचुअल। ये आपसे कह रहा है इसमें से कौन कौन सा महायान बुद्धिज्म का फीचर है। अब मैं ऐसा मानता हूं अगर एग्जाम मोड में आपको नहीं आता है, I will go with 1, 2 and 3, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ यार बुद्धिज्म महायान बुद्धिज्म के फीचर है, डेइफिकेशन ऑफ बुद्धा भी हो ही सकता है क्योंकि बुद्धिज्म का पार्ट है, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व, मतलब कोई भी नेगेटिव ऑप्शन नहीं है, तीनों के तीनों पॉजिटिव है, बुद्धा का इमेज वर्शिप, बुद्धा के बोधिसत्वास का और डेइफिकेशन ऑफ बुद्धा। अगर मुझे कुछ भी नहीं पता है तो मैं I would recommend कि गो विथ 1, 2 and 3, तो आंसर भी वही है 1, 2 and 3, क्योंकि तीनों के तीनों पॉजिटिव आंसर है। अब एग्जामिनर अगर क्वेश्चन बनाएगा तो पॉजिटिव ऑप्शन ही देगा, इसीलिए पॉजिटिव आंसर के साथ हमको जाना चाहिए। महायान बुद्धिज्म जो है वो दो मेन ब्रांचेस में से एक है, एक है आपका हीनयान, एक है महायान बुद्धिज्म। महायान बुद्धिज्म जो है उसमें बुद्धा को भगवान माना जाता है रैदर देन ग्रेट टीचर। हीनयान में बुद्धा को भगवान नहीं माना जाता है, बुद्धा को इंसान माना जाता है। हीनयान बुद्धिज्म ऐसा मानता है कि बुद्धा एक टीचर है, बुद्धा एक इंसान है, जबकि महायान बुद्धिज्म वाले लोगों का मानना है कि गौतम बुद्ध खुद एक भगवान है। इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं, गौतम बुद्ध की इमेज, उनकी मूर्ति, उनकी तस्वीर की पूजा करते हैं। द टीचिंग ऑफ महायान आर ऑल्सो नथिंग बट ट्रीटिंग द पाथ ऑफ वेरियस बोधिसत्वा। महायान में एक और चीज़ बताया जाता है जो बोधिसत्वा है, बोधिसत्वा वो लोग होते हैं जिन्होंने निर्वाण अचीव कर लिया। जैसे मान लो आप निर्वाण प्राप्ति के लिए जाओगे, अगर आपने निर्वाण अचीव कर लिया तो आप भी बोधिसत्वा कहलाओगे। तो महायान में ये कहा जाता है कि जिन लोगों ने निर्वाण को अचीव कर लिया है उनके रास्ते पे चलो तो आपको भी निर्वाण मिलेगा। अब थोड़े डिफरेंस देख लेते हैं महायान और बुद्धयान में। महायान में जो स्क्रिप्चर है, लिखावट है, वो संस्कृत में है, जबकि हीनयान में लिखावट कैसी है? पाली लैंग्वेज में। उसके बाद महायान किसमें बिलीव करता है? बुद्धा की मूर्ति पूजा में, आइडल वर्शिप, मतलब मूर्ति पूजा ऑफ बुद्धा, जबकि यहाँ पे डज नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप ऑफ बुद्धा। क्यों? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ये लोग बुद्धा को इंसान मानते हैं, तो इंसान की मूर्ति पूजा क्यों करेंगे? नेक्स्ट, इट इज मेनली फाउंड इन चाइना, जापान एंड तिब्बत। हीनयान बुद्धिज्म कहाँ मिलता है? श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कैम्बोडिया एंड लाओस, जबकि ये चाइना, जापान, तिब्बत, साउथ ईस्ट एशिया तरफ मिलता है ये। इट बिलीव्स इन यूनिवर्सल लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग ऑफ ऑल बींग्स। महायान के लोगों का ऐसा मानना है कि गौतम बुद्ध की पूजा करोगे तो सारे कष्टों से दूर हो जाओगे, जबकि इनका मानना है इंडिविजुअल सेल्वेशन। इनका ऐसा मानना है कि खुद अच्छे काम करो तो निर्वाण मिल जाएगा, जबकि इनका ऐसा मानना है कि अगर निर्वाण चाहिए तो सारे प्रॉब्लम से निर्वाण चाहिए तो भगवान की पूजा करो। इनका ऐसा मानना है भगवान की पूजा मत करो, अच्छे काम करो तो निर्वाण मिल जाएगा। यही दोनों में डिफरेंस है। कुल मिला जुला के हीनयान जो है ये थोड़ा प्रोग्रेसिव है, साइंटिफिक है। आज के डेट में हम लोग इंसान, किसी को भी इंसान मानते हैं, बट ये लोग मूर्ति पूजा करते हैं जो पास्ट में चलता था। जैसे आज भी हम लोग क्या करते हैं, गणेश भगवान की पूजा करने के लिए तो मूर्ति के पास जाते हैं, जबकि ये ऐसा मानता है हीनयान कि कोई भी भगवान नहीं है, गौतम बुद्ध वॉज अ पर्सन और पर्सन की पूजा नहीं करनी चाहिए।
नेक्स्ट आते वाले क्वेश्चन पे विद रेफरेंस टू फोर्स लेबर विस्टी इन इंडिया ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। ये जो क्वेश्चन है गुप्ता पीरियड से इंस्पायर्ड है, ये ऐसा पूछ रहा है फोर्स लेबर बंधवा मजदूरी जबरदस्ती काम कराना, इसको क्या कहा जाता था विस्टी। तो ये पूछ रहा है विस्टी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट राइट है। सबसे पहला स्टेटमेंट है इट वॉज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। बिल्कुल सही बात है। होता क्या था, कुछ लोग जो गरीब थे टैक्स नहीं भर पाते थे, तो ऐसा मानते थे कि अगर आपके पास पैसा नहीं आप टैक्स कैसे भरोगे, तो टैक्स भरने के जगह आप जबरदस्ती काम कर लो। फोर्स लेबर का मतलब क्या होता है, जैसे आप मेरे यहाँ काम कर रहे हो, लिटरली आपको एक दिन का 500 रुपये मिलना चाहिए, बट मैं आपको एक दिन का 200 रुपये दे रहा हूँ और जबरदस्ती काम कर रहा हूँ, फोर्स लेबर है। अब ये 300 रुपये है, मैंने ऐसा माना कि 300 रुपये आपके मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आप मुझे कुछ ओ करते हो, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट वॉज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। नेक्स्ट स्टेटमेंट इट वॉज टोटली एबसेंट इन मध्य प्रदेश एंड काठियावाड़ जो गुप्ता है पर बिल्कुल रॉन्ग। तीसरा द फोर्स लेबर वेज एंटाइटल टू वीकली वेजेस, बिल्कुल गलत है। वीकली वेजेस का मतलब क्या होता है, हर हफ्ते आपको कुछ तनख्वाह मिलेगी, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और लास्ट लिखा हुआ है एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर वॉज सेंट एज फोर्स लेबर, इसका ऐसा मानना है जो सबसे बड़ा बेटा था उसको फोर्स लेबर में भेजा जाता था। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है क्योंकि हो सकता है किसी के परिवार में बड़ा बेटा नहीं हो, बेटी आई हो तो बेटियों को भेजते थे, इसलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, इन द गुप्ता पीरियड विस्टी और फोर्स लेबर बिकेम अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट एंड वॉज लुक्ड अपॉन एज अ सॉर्ट ऑफ टैक्सेशन पेड बाय पीपल। विस्टी वॉज फोर्स लेबर इन लियू ऑफ टैक्स एंड देयरफॉर नॉट एंटाइटल टू वीकली वेजेस, जो मैंने आपको बताया। एनी वन कैन बी सेंट एज फोर्स लेबर, कहा ना बड़े बेटे की जरूरत नहीं है, अगर घर में बड़ा बेटा नहीं है तो बेटी को जाना पड़ेगा, जरूरी नहीं है बड़ा बेटा अगर आउट ऑफ टाउन है तो छोटे बेटे को जाना पड़ेगा, किसी को ही भेजना पड़ेगा। लास्ट में मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन रेफर टू विस्टी एज मोर प्रेवलेंट इन मध्य प्रदेश एंड काठियावाड़। यूपीएससी ने क्या किया, मोर प्रेवलेंट के जगह लेस प्रेवलेंट लिख दिया, देखो टोटली एबसेंट, ठीक है, जबकि सबसे ज्यादा इसी एरिया में प्रेजेंट था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन के हिसाब से बता दो क्या होना चाहिए आंसर। विजयनगर, मैंने बार बार बताया मोस्ट फेवरेट थीम है। पूछ रहा है क्वेश्चन बिल्डिंग कल्याण मंडपा वॉज अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ चालुक्या चंडेला राष्ट्रकुटा विजयनगर, बट मैंने क्या बताया विजयनगर यूपीएससी का फेवरेट है, अगर विजयनगर पे क्वेश्चन नहीं है और ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन ही उसका आंसर होगा, इसका आंसर है विजयनगर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर विजयनगर। विजयनगर एम्पायर की स्थापना की थी दो भाइयों ने हरिहरा और बुक्का, कब 1336 एडी में। कल हमने विजयनगर भी क्वेश्चन दिखाया था, देखा था किंग देवराय वन पे, जहां मैंने आपको बताया था तुंगभद्रा नदी के ऊपर उसने डैम बनाया था। आगे द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजयनगर आर्किटेक्चर वेयर राया गोपुरम और गेटवेज। होता क्या था, इंडिया में दो टाइप के मंदिर बनते हैं, एक होता है नागरा स्टाइल जो नॉर्थ में बनता है, एक होता है द्राविड़ा स्टाइल जो साउथ में बनता है। नागरा स्टाइल की मेन बात क्या होती है, जैसे अगर नागरा स्टाइल का मंदिर होगा तो उसके ऊपर ऐसा पॉइंट होगा, आप नॉर्थ इंडिया चले जाओ या अपने इंडिया में इस टाइप के टेम्पल होते हैं। द्राविड़ा टेम्पल में कैसा होता है, साउथ में यहाँ पे ये पॉइंटेड ना होते हुए ऐसा रहेगा, ऐसा साउथ इंडिया में ऐसा। नेक्स्ट, साउथ इंडिया में कोई भी मंदिर के अंदर आप देखना वाटर बॉडी होती है, छोटा सा लेक होता है, छोटा सा पॉन्ड होता है, प्रेजेंट होता है। नॉर्थ इंडिया में ये चीज़ नहीं होती है, तो उसी में ये कह रहा है कि साउथ इंडिया में ही विजयनगर एक एम्पायर था जिसमें कुछ कुछ स्पेशल फीचर थे। कौन कौन से, सबसे पहले टॉल राया गोपुरम, गोपुरम यही वाटर बॉडी को कहते हैं। उसके बाद गेटवेज, बड़े बड़े दरवाजे। नेक्स्ट कल्याणा मंडपम, कल्याणा मंडपम विथ काव पिलर इन द टेम्पल प्रियाइसेस। नेक्स्ट गर्भगृह और लास्ट में अम्मम श्राइन। तो कल्याण मंडपा कहाँ का फीचर है, यही क्वेश्चन था विजयनगर का। द हॉर्स वॉज द मोस्ट कॉमन एनिमल फाउंड ऑन द पिलर्स, ये चीज़ याद रखना, फेवरेट होता था उनका हॉर्स, क्योंकि विजयनगर फेवरेट थीम है तो एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बिल्डिंग कल्याणा मंडपम उनका नोटेबल फीचर था, देख लिया हमने। लास्ट में वीरूपक्षा टेम्पल एट हम्पी और हजारा रामा टेम्पल ऑफ देवराया आर फेमस एग्जाम्पल ऑफ विजयनगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। वीरूपक्षा टेम्पल, अब वीरूपक्षा टेम्पल देखो आपको समझ में आएगा किस टाइप का उनका टेम्पल होता था।
सी ये है वीरूपक्षा टेम्पल। अब जो ये मेन एंटर प्रीमाइसेस होता था इसको कहते थे गर्भगृह, और ये जो पिलर है इसी को कहते थे कल्याणा मंडपम। ये थोड़ा ब्रॉड व्यू वीरूपक्षा टेम्पल का। आप साउथ के किसी भी टेम्पल को देखो, मीनाक्षेश्वरी टेम्पल को देखो, लेपाक्षी टेम्पल को देखो, बहुत अच्छा व्यू बनाया जाता है उनका। ये इस तरीके से, ये जो छोटे छोटे पिलर है इसी को कहते हैं कल्याणा मंडपम। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वॉज नोन एज आमिल। इसका ऐसा कहना है दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो मेन आदमी पैसा कलेक्ट करता था उसका नाम क्या था, आमिल। ठीक है, अगला कह रहा है इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज एन एंशियंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन। इंडिजिनस का मतलब क्या है, लोकली, जो खुद से डिजाइन किया हो। ये ऐसा कह रहा है जो इक्ता सिस्टम था वो उन्होंने खुद से बनाया हुआ था। और तीसरा ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इन टू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली। जो मीर बख्शी का ऑफिस आया था वो खलजी सुल्तान के टाइम पर आया था। तीनों स्टेटमेंट है, ऑप्शन देख लो, वन ओनली, वन एंड टू ओनली, थ्री ओनली, वन टू एंड थ्री ओनली। अगेन थोड़ा टफ क्वेश्चन है, हमें नहीं पता क्या होगा, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, क्योंकि मिडाइवल इतना डिटेल में हम पढ़ते भी नहीं है। अगेन मैं एग्जाम मोड में होता तो क्वेश्चन छोड़ता, या फिर अगर ये क्वेश्चन को सॉल्व करता तो मैं वन टू एंड थ्री के साथ जाता। मैं ऐसा सोचता कि हाँ भाई तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तीनों स्टेटमेंट ठीक है। चेक करते इसका आंसर क्या है, इसका आंसर वन ओनली है, मतलब सिर्फ पहला राइट है, बाकी के बाकी दोनों रॉन्ग है। एक और चीज़ आप यहाँ सोच सकते हो, यहाँ देखो क्या लिखा है, ऑफिस ऑफ मीर बख्शी जो है वो किसके टाइम पे है, खिलजी सुल्तान। क्या हो जाएगा फैक्ट, खलजी सुल्तान की जगह किसी और का नाम डाल दिया इन्होंने, मतलब जो नाम होगा उसके जगह खलजी सुल्तान डाल दिया। सेम इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज एन एंशियंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन। या तो इंडिजिनस एक फैक्ट है, इक्ता सिस्टम एक फैक्ट है, कोई भी फैक्ट चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे भी फैक्ट है बट ये भी राइट है, तो इनका ऐसा मानना है वन ओनली है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, सबसे पहला है आमिल, आमिल दे वेयर ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू, सही बात है, ड्यूरिंग द सल्तनत एरा इन नॉर्थ इंडिया। अकबर हैड इवन डायरेक्टेड टू आमिल टू एक्सटेंड लोन टू द पीजेंट इन टाइम ऑफ नीड। आमिल जो होता था वो मेन रेवेन्यू कलेक्टर होता था, और अकबर ने आमिल को एक और पावर दी थी कि ऐसा कोई किसान है जो खेती कर रहा है और गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, तो आप उसको लोन भी दे सकते हो। आमिल के पास ये भी पावर था। इनफैक्ट आमिल हाई क्वालिटी सीड्स भी देता था किसानों को ग्रो करने के लिए, इसीलिए हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया राइट। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल एम्परर अकबर। वहाँ क्या लिखा हुआ था, खलजी सल्तनत, तो देखो अकबर की जगह उन्होंने खलजी सल्तनत डाल दिया, इसे स्टेटमेंट थ्री हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। मीर बख्शी टाइटल किसको दिया जाता था, जो मुगल आर्मी का हेड होता था, मतलब जो आर्मी को चला रहा है, कमांडर होता था, उसको मीर बख्शी कहा जाता था। अकबर के टाइम पे टर्म आया, आगे यही वो पर्सन होता था जो सोल्जरों को भी मेंटेन करता था, उनकी सैलरी, प्रमोशन और अपॉइंटमेंट डिसाइड करता था। इसके बाद पहला मीर बख्शी किसने अपॉइंट किया था, अकबर ने, कब, 1574 में, और ये 18 सेंचुरी तक ये प्रथा चलती आई। तो आपको बस मीर बख्शी के बारे में इतना जानना है, अकबर के टाइम पे आया था, मुगल आर्मी का हेड होता था, सैलरी वैलरी सब ये डिसाइड करता था, 1574 में पहला था और 18 सेंचुरी में ये सिस्टम खत्म हो गया। और थर्ड पढ़ते हैं इक्ता सिस्टम, अंडर द इक्ता सिस्टम द लैंड ऑफ द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल ट्रैक्ट्स कॉल्ड एज इक्ता। इक्ता सिस्टम में मान लो जमीन है, इसको अलग अलग टुकड़े में तोड़ा जाता था, कुछ बड़े होते थे, कुछ छोटे होते थे, एंड दे वेर असाइंड टू सोल्जर, ऑफिसर एंड नोबल। ये दिल्ली सुल्तान ने इंट्रोड्यूस तो कराया था बट ये लोकल नहीं था, इट वॉज ओरिजिनली ऑफ सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया ओरिजिन एंड नॉट एन एंशियंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन। मैंने क्या कहा, फैक्ट है, इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन ये कॉपी किया था हमने कहाँ से, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया से, हमारा लोकल नहीं था। इसे स्टेटमेंट टू भी रॉन्ग हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट राइट है कि जो चीफ रेवेन्यू कलेक्टर होता है वो आमिल होता है, और आमिल को एक और पावर थी, लोन दे सकता है, हाई क्वालिटी सीड दे सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। अगेन एक और ट्रिक आपको बताता हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन लिखा जाए कि ही वॉज अ कंटेम्प्ररी ऑफ दिस, ही वॉज अ कंटेम्प्ररी ऑफ दिस, समझ लेना ये स्टेटमेंट रॉन्ग होंगे। पहला स्टेटमेंट देखो क्या लिख रहा है, सेंथ निम्बार्का वॉज अ कंटेम्प्ररी ऑफ अकबर, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। बाई डिफॉल्ट जहाँ जहाँ कंटेम्प्ररी की बात आएगी मैं आपको शो कर दूंगा कंटेम्प्ररी मतलब गलत ही होता है। तो सेंट निम्बार्का वॉज अ कंटेम्प्ररी अकबर, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा लिखा है सेंत कबीर, संत कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सिरहिंदी। अगर बस इतना लिखा होता ना कि संत कबीर वॉज
इन्फ्लुएंस तो मान लेता, स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग हो जाएगा? वर्ड पढ़ो क्या लिखा है, ग्रेटली, ये हो जाता है एक्सट्रीम वर्ड। जब भी अगर कोई एक्सट्रीम वर्ड यूज हो, मोस्ट एक्सट्रीम, सॉरी मोस्ट, ग्रेट, ऑलमोस्ट, ये क्या हो जाता है, एक्सट्रीम, इसलिए हो जाएगा रॉन्ग। हाँ मैं ऐसा कह, जैसे अगर कोई ये बोले कि आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम धोनी, थोड़ा तो इंस्पायर्ड हो सकता हूँ, थोड़ा तो इन्फ्लुएंस हो सकता हूँ, बट जब ग्रेटली लिखा जाए तो रॉन्ग हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, दूसरा भी रॉन्ग, इसका आंसर हो जाएगा नाइदर वन नॉर टू। अब आप पूछोगे कंटेम्प्ररी का मतलब क्या हो, कंटेम्प्ररी का मतलब होता है सेम टाइम, जैसे जब अकबर थे तब सेंट निंबार्का भी थे, ऐसा। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं, मैं अगर ऐसा कहूं कि मेरा सिलेक्शन तब हुआ था जब इंडिया उस साल वर्ल्ड कप जीती थी, मतलब इंडिया जो साल वर्ल्ड कप जीती रहेगी और मेरा सिलेक्शन, दोनों का ईयर सेम होना चाहिए, सेम चीज़ है कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी मतलब साथ साथ, जैसा कि मैंने आपको कहा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर नाइदर वन नॉर टू। क्यू सेंट निंबार्का के बारे में जान लो, सबसे पहले वैष्णवाइट थे, वैष्णवाइट कल मैंने बताया वो लोग जो विष्णु जी की पूजा करते हैं, कहाँ पे थे ये, तेलंगाना रीजन में। ही वॉज नॉट अ कंटेम्प्ररी ऑफ अकबर। क्यू ये 13 से 14 सेंचुरी में बिलोंग करते थे, जबकि अकबर कब आए रूल करने, 16 सेंचुरी में। इसे पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट संत कबीर के बारे में पढ़ते हैं, कबीर रामानंद के डिसाइपल थे, ये निर्गुणा भक्ति को फॉलो करते थे। निर्गुणा भक्ति मतलब ये ऐसे लोग होते थे जो भगवान में नहीं मानते थे, किसी में भी कोई गुण नहीं है इनका, ऐसा माना निर्गुण। सगुण मतलब बहुत अच्छे गुण है आप में, निर्गुण मतलब आप में एक भी अच्छे गुण नहीं है। आगे हु लिव्ड इन 15 सेंचुरी, ये भी 15 सेंचुरी के टाइम पे थे, वाइल शेख अहमद सिरहिंदी 16 सेंचुरी के टाइम पे थे। जब एक आदमी 15 सेंचुरी में, एक नेक्स्ट सेंचुरी में, कैसे कोई उससे इंस्पायर्ड हो सकता है, इसे सेकेंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। और एक और चीज़ है, शेख अहमद सिरहिंदी जो है ये नक्शबंदी सिलसिला फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। फैक्ट के लिए बस आपको इतना, जो भी ब्लैक में दिया है ना ये मेन मेन फैक्ट है, इतना याद रखिएगा बस। तो ये स्टेटमेंट दोनों रॉन्ग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अकबर के ऊपर है, विथ रेफरेंस टू मियां तानसेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सबसे पहला कह रहा है कि तानसेन वॉज द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर। नेक्स्ट कह रहा है तानसेन कंपोज ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड एंड गॉडेस, ये स्टेटमेंट राइट हो सकता है। अब मैं अगर ऐसा बोलूं कि तानसेन ने भगवानों पे एक भी गाना बनाया तो हो सकता है ना यार, भले वो गाना पब्लिश नहीं किया हो, कौन देखने गया तानसेन रात को सोया था उसने कोई गाना बना दिया, तो सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। आपको पूछा है नॉट करेक्ट तो ये तो नहीं होगा। लिखा है तानसेन कंपोज सॉन्ग ऑन हिज पैटर्न, ये भी तो हो सकता है यार, अपने पैटर्न पे भी तो ये सॉन्ग बना ही सकता है। नेक्स्ट लिखा है तानसेन इन्वेंटेड मेनी रागास, हाँ भाई सिंगर का काम ही क्या होता है, बट पहला वाला स्टेटमेंट पढ़िए, तानसेन वॉज द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर, ये क्या हो जाएगा फैक्ट। और मैंने क्या कहा फैक्ट हमेशा क्या होता है रॉन्ग, तो इसका आंसर हो जाएगा वन ओनली, ऑप्शन वन इज नॉट करेक्ट। तानसेन जो टाइटल था ये किसने दिया था, राजा विक्रमजीत ऑफ ग्वालियर। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ना, फैक्ट गलत करने के लिए क्या होता है, लाइन वैसे के वैसे उठा लेंगे। तानसेन वॉज द टाइटल गिवन टू हिम बाय अकबर दे दिया, अकबर के जगह बाबर दे दिया, बाबर के जगह हुमायूं दे दिया, कुछ भी दे दिया। हम लोग सोचते हैं हाँ यार अकबर के दरबार में था तानसेन, तानसेन बहुत बड़ा सिंगर था तो अकबर नहीं दिया होगा टाइटल। एग्जाम मोड में मैक्सिमम लोग इसको राइट करके आएंगे। मैं बार बार क्या बोलूंगा, नॉर्मल इंग्लिश पढ़ो। पहला लाइन ये कह रहा है तानसेन ने कुछ ध्रुपद कंपोज किए, हाँ यार तानसेन का काम ही था ध्रुपद कंपोज करना। अगला कह रहा है एक और चीज़, मैंने आपको क्या बताया अगर सेम ऑप्शन दो स्टेटमेंट में है तो राइट होंगे, तभी बना रहा है, तो ये दोनों तो राइट होने ही थे वैसे भी। नेक्स्ट लिखा है तानसेन इन्वेंटेड मेनी रागास, सिंगर का काम ही होता है, अगर उसने 10 रागा भी बनाए तो मेनी तो हो गए ना यार, ये एक फैक्ट है इसलिए रॉन्ग होगा। हमने देख लिया है विक्रमजीत ऑफ ग्वालियर ने ये टाइटल दिया था। आगे अकबर गेव द टाइटल ऑफ कंथा भारन वन विलास टू तानसेन, अकबर ने भी एक टाइटल दिया बट वो टाइटल का नाम अलग है, कंठ भारन वन विलास है। आगे ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ राजा रामचंद्र सिंह ऑफ रेवा एंड अल्सो अकबर, अकबर के भी कोर्ट में काम करते थे, और रेवा ग्वालियर के पास एक जगह है, वहाँ के राजा थे राजा रामचंद्र, उनके कोर्ट में भी काम करता था तानसेन। ही स्पेशलाइज इन ध्रुपद स्टाइल, ध्रुपद स्टाइल में एक्सपर्ट था, और ध्रुपद एक टाइप ऑफ सिंगिंग है जिसमें एक ही लाइन जो है वो हर चार के बाद रिपीट होती है। ही इन्वेंटेड द नाइट रागा दरबारी कान्हरा, मॉर्निंग रागा मियाँ की तोड़ी, मिड डे रागा, ये सब याद मत रखना इतना क्या क्या किया। ही कंपोज मेनी ध्रुपद और हिंदू गॉड एंड गॉडेस, देख ही लिया हमने, और उन्होंने अपने पैटर्न पे भी सॉन्ग गाया। और भगवान हुए किस पे गाया इन्होंने, शिवा हो गया, गणेशा हो गया, लॉर्ड राम हो गए, ठीक है। अब देखो कल वाला क्वेश्चन का ही सेम हूबहू रिपीटेशन पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेट मैन्युस्क्रिप्ट टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। इन शॉर्ट ऐसा कह रहा है कौन सा ऐसा राजा था जो पेंटिंग करता था, ऑप्शन देख के बताओ कौन सा राजा पेंटिंग करता था।
जो सिर्फ पेंटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता था। मैंने कल बताया था शाहजहाँ क्या करता था, आर्किटेक्चर बनवाता था। अगर राजाओं की बात करें, सबसे पहले आया था बाबर। बाबर जो था ये जस्ट नया नया मुगल किंग था, तो इसको कुछ करने का टाइम ही नहीं मिला। इसके बाद आया हुमायूं। कल भी मैंने आपको बताया हुमायूं ऑप्शन में क्यों नहीं होता कल वाले में भी, क्योंकि इसके टाइम पे आ गया था शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी हुमायूं को इंडिया से भगा दिया था, और कुछ टाइम के लिए शेरशाह सूरी रूल कर रहा था। अगर शेरशाह सूरी के बारे में बात करूँ तो शेरशाह सूरी खुद ब खुद मरा। इसकी स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट, अभी जो नेक्स्ट एनालिसिस है उसमें बताऊँगा। शेरशाह सूरी के बारे में जानोगे तो आप हैरान रह जाओगे। अगर शेरशाह सूरी अपनी गलती से नहीं मरता तो हुमायूं के बाद कोई भी मुगल इंडिया पर रूल नहीं करता। बहुत पावरफुल रूलर था ये। इसने दो बैटल लड़ी थी, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ बिलग्राम, दोनों में इसने हुमायूं को हराया था। गलती से क्या हुआ था, एक बैटल शेरशाह सूरी जीत गया था। शेरशाह सूरी जब वो बैटल जीता, हुआ ये था हुमायूं का एक आदमी था जिसका नाम था वीरभान। तो जब शेरशाह सूरी को पता चला हुमायूं इंडिया से भाग गया, बट उसका एक दोस्त है वीरभान जो मुझसे लड़ने आ रहा है, तो शेरशाह सूरी इसको मारने गया। बैटल ऑफ कोई तो फोर्ट है वो, हाँ कालिंजार फोर्ट है, यस याद आ गया, एक कालिंजार करके फोर्ट है, उस पर ये इसको मारने गया वीरभान को। इसने वीरभान को मार दिया और ये जश्न मना रहा था। तो जश्न मनाते मनाते क्या किया, जो कैनन होता है, गोला होता है ना, तोप, इसने तोप चला दी। तो हुआ क्या, तोप टकराई वहाँ से और वापस आई, और वही तोप लग गई शेरशाह सूरी को, और शेरशाह सूरी मर गया। अपनी गलती से शेरशाह सूरी मरा। जब शेरशाह सूरी मर गया, हुमायूं इंडिया छोड़ के भाग गया था। इसको पता चला शेरशाह सूरी मर गया, ये वापस इंडिया आया और रूल करना स्टार्ट कर दिया। शेरशाह सूरी को टाइटल शेर भी इसलिए मिला था क्योंकि इसने एक शेर को लिटरली तलवार से मारा था, इसीलिए। इसका मेन नाम है फरीद खान, बट ये जिसके अंदर में काम करता था, जौनपुर का राजा था वहाँ पे, उसके अंदर में काम करता था। उसने एक दिन देखा कि शेरशाह सूरी ने एक तलवार से शेर का गला काट दिया, इसलिए इसको टाइटल मिल गया था शेर। तो ये शेरशाह सूरी की कहानी। तो हुमायूं इसलिए क्योंकि खुद स्टेबल नहीं था, हुमायूं तो पेंटिंग वेंटिंग करता ही नहीं। शाहजहाँ मैंने आपको कल ही बताया, इसने वो क्या ताजमहल वगैरह बनवाया, बीबी का मकबरा, ये सब, मतलब जितना भी बड़े बड़े बिल्डिंग है, अच्छे अच्छे बिल्डिंग है, इसने बनवाया। ही वॉज फेमस फॉर आर्किटेक्चर। बचा आपका जहांगीर। जहांगीर पेंटिंग करता था, ये वही है सलीम अनारकली वाला, तो ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा करता था। तो आंसर हो जाएगा जहांगीर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, जहांगीर। जहांगीर शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेट मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जो कभी कभी आपने देखा होगा पत्ते पे भी पेंटिंग होती है, पीपल का जो पत्ता होता है वो जब सूख जाता है इसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। तो जहांगीर पहले सूखे हुए पत्तों पे पेंटिंग करता था, बाद में क्या करने लग गया, एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट बनाने लग गया। जैसे अगर मैं आपकी तस्वीर बनाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, पोर्ट्रेट। तो जहांगीर उस पर शिफ्ट हो गया। मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग जहांगीर ने इस्टेब्लिश की थी, सॉरी अकबर के टाइम पे हुआ था, बट वो पीक पे कब गया, जहांगीर के टाइम पे। हुमायूं के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, बाबर का बेटा था, इसने दो बैटल लड़ी थी जो मैंने आपको बताया शेरशाह सूरी के साथ। कहाँ पे, चौसा, चौसा एक जगह है बक्सर में, और दूसरी इसने कन्नौज में लड़ी थी, कन्नौज में एक जगह है बिलग्राम, बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहा जाता है। ये दो लड़ी थी और देखो एंड वॉज कम्प्लीटली डिफीटेड बाय हिम। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को डिफीट कर दिया था, इंडिया छोड़ के भाग गया था। उसके बाद अकबर के बारे में दिया है कि अकबर ने इलाहाबाद सिटी को फॉर्म किया, पहले उसने इलाहाबाद को कहा था इलाहाबास, इलाहाबास ही आगे चल के बन गया अलाहाबाद। ही इंट्रोड्यूस द न्यू रिलीजन एज दीन ए इलाही, इसने नया रिलीजन अडॉप्ट किया दीन ए इलाही। दीन ए इलाही मतलब भगवान सबके है, हिंदू भी अडॉप्ट कर सकता है, मुस्लिम भी, सिख भी, पारसी भी, क्रिश्चियन भी। आगे मनसबदारी सिस्टम, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था मनसबदारी सिस्टम। आगे अकबर ने हेमू को डिफीट किया था, कहाँ पे, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। पहला बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोधी लड़ा था, सेकेंड हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, तीसरा हमने देखा था कल ही मराठा और अब्दाली के बीच में। आगे अकबर ने एक और चीज़ बनाया था जिसका नाम था इबादत खाना। इबादत खाना में क्या होता था, अलग अलग रिलीजन के लोग आते थे, बैठते थे और डिस्कशन करते थे। यहाँ अकबर के पहले के जो लोग थे वो किस पे फोकस करते थे, इस्लाम पे। अकबर ने कहा कि एक रिलीजन नहीं, मैं हर रिलीजन पे फोकस करूँगा। अकबर के बाद भी जब लास्ट में औरंगज़ेब आया तो इसने हिंदू टेंपल को डिस्ट्रॉय किया और इसका भी फोकस था इस्लाम पे। फिर जहांगीर है, जहांगीर अकबर का बेटा है, इसने फिफ्थ सिख गुरु अर्जुन देव को मारा था, और अंडर जहांगीर मुगल पेंटिंग रीच इट जेनिथ, पीक पे पहुंच गया था, यही हमने देखा अभी। लास्ट में शाहजहाँ है, शाहजहाँ के बारे में देख लो, ही वॉज सन ऑफ जहांगीर। उसके टाइम पे एक फ्रेंच ट्रैवलर इंडिया आया था जिसका नाम था टैवर्नियर, उसने दो मेन चीज़ बनाई थी, दीवाने खास और दीवाने हाम। ये एक प्राइवेट हॉल था और एक पब्लिक हॉल था, ये दोनों शाहजहाँ ने बनवाया था। इसी के साथ हमारा 2019 का डिस्क्रिप्शन ख़त्म।